गाजियाबाद में कोरोना काल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गाजियाबाद सहित एनसीआर के लोगों को एक बड़ी सौगात दी गई है, जिसके चलते आज मुख्यमंत्री द्वारा ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया गया। इस प्लांट का शुभारंभ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन किया। आपको बता दें कि गाजियाबाद के थाना भोजपुर क्षेत्र में इस प्लांट को लगाया गया है, जहां से प्रतिदिन 200 टन गैस का प्रतिदिन उत्पादन किया जाएगा। कोरोना काल के चलते मरीजों में ऑक्सीजन की कमी देखी जाती है, ऐसे में यह प्लांट उनके लिए संजीवनी के रूप में साबित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसके चलते 1.5 साल के भीतर ही इस प्रोजेक्ट को बनाकर तैयार कर दिया गया है। यहां से रोजाना गैस का उत्पादन जरूरतमंद लोगों को अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा। सर, यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, कितनी क्षमता होगी और कौन कौन से इलाके से लाभान्वित होने वाले हैं? देखिए, जुलाई 2018 में इसका शिलान्यास हुआ था और जैसा कि आप सब विदित हैं कि इस समय कोरोना का बहुत महत्वपूर्ण फेज चल रहा है, जिसमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उसको ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट निर्देश दिए थे कि इस प्लांट को समय से पहले या समय के अंतर्गत प्रारंभ कराया जाए और जो भी सहयोग और जो भी इश्यूज हैं जिला प्रशासन स्तर पर और प्रदेश स्तर पर उसको सॉर्ट आउट किया जाए। हम लोगों ने रेगुलर यहाँ पर इनके अधिकारियों से बातचीत करके उन समस्याओं का समाधान किया और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस जो गाजियाबाद के लिए गौरव भी है, इस प्लांट का लोकार्पण किया गया है। इसमें 200 टन ऑक्सीजन प्रतिदिन की उत्पादन की क्षमता है। इसमें यहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन तीनों का उत्पादन होगा। इसकी भंडारण क्षमता को भी एक्सपेंशन का बहुत ज़्यादा स्कोप है, जिसके लिए प्लांट पूरी तरह से तैयार है और इस संकट की घड़ी में इसका विशेष लाभ हमारे जनपद को, हमारे प्रदेश को और हमारे एनसीआर के जनपदों को मिलेगा। ताजा और तेज खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, साथ ही लाइक और शेयर भी करें।